भगवानपुर में 2022 विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज होते ही सभी पार्टियों का जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जगह जगह जनसभाएं कर अपनी जीत की पुष्टि कर दम भरने की बात करने लगी है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के मानक मजार चौक का है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के देहात से भारी संख्या में लोगों की देखते ही देखते भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य गिनाए और उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने का कार्य आम आदमी पार्टी करने से नहीं चुकेगी। मैं समझता हूं कि पीछे लगभग 20-21 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, और उत्तराखंड के लिए जिस तरह के भी सपने लोगों को बीजेपी या कांग्रेस ने दिखाए, वो वायदे उनके कभी पूरे नहीं हुए, लोग निराश हैं। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए भगवानपुर से मुर्सलिन अलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज